रिकॉर्डिंग जी बाकियों से बढ़िया, मतलब हाँ जी जूम से बेटर था। आप कभी भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हो उस रिकॉर्डिंग को ना। हाँ जी चलिए तो देखिए, आर वेक्टर है बेसिकली। आर वेक्टर को क्या कह सकते हैं हम, ये मैंने हमने यहाँ पर सबमिशन ऑफ वेक्टर निकाला बेटा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस आई कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है बेटा, फिर क्या कर लिया इसका, जैसे आप सम करते हो यार, आई को आई से जोड़ दो, जे को जे से जोड़ दो। 5 प्लस 1 क्या आ गया, 6। 5 प्लस 3 क्या आ गया, 8। मॉडल से लो इसका, ठीक है ना, मॉडल से लो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, आंसर क्या आ गया, 10। ठीक है बेटा, और हमेशा एंगल कैसे निकालना है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन। तो कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको। चल बेटा बोल, तुझसे कौन से क्वेश्चन ही हुए अवनी। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ, मैं करवाते जाता हूँ, धीरे धीरे ही चीजें आती हैं। अगर एक दिन में इतना कुछ समझ में आ जाए तो फिर तो है ना, हर चीज को टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। सॉल्व एग्जांपल नहीं समझ में आया, अनसॉल्व समझ नहीं आई। सॉल्व का सिर्फ पहला आया, यानी सॉल्व ही कराऊं पहले। हाँ जी, मैंने कल आपको Type 3 दी थी। एक्चुअली क्या है ना, इस बुक में क्वेश्चंस मिक्स करके दे रखे होते हैं, वो उस टॉपिक के कई बार नहीं होते हैं, तब आपसे क्वेश्चन ही निकलते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है करवाने के लिए, वन बाय वन शुरू करता हूँ। एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है बेटा, एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है फिजिक्स में, सारे बच्चे देखना, कॉम्पिटिशन में भी आती है प्रॉब्लम ये, ठीक है। बच्चे कंपटीशन में भी आती है, बहुत ही फेमस है, एग्जांपल 10 है, तरीका देखना। पेज नंबर प्रदीप से करवा रहा हूँ, 4x53 पेज पर बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, ये कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो एक ही तरीके से निकलेगा। क्या मैं आपको बता दूंगा, डिटरमिन द हॉरिजेंटल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ मास ऑफ 0.03 kg सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। बच्चों ये आपका हॉरिजेंटल कोई मास है बेटा, कितना मास दिया है इसका, मास दिया है, मास इज गिवन, इट इज 0.03 kg, 0.03 kg, ओके। तो इस मास को बेटा बाहर की तरफ खींचा सच दैट ये एफ इस पे फोर्स लगाई कि ये एंगल कितना बना रहा है यहां पर, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो बताओ कि 30 डिग्री मुझे यहां से खिसका के यहां पर लेके गया मैं, 30 डिग्री का मैंने एंगल बनाया। क्वेश्चन ये है कि बताओ मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। देखो जी यहां पर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया,
बताओ 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? बुक ने 9.8 से किया है, आप ना 10 से कर दो यार, आसान होता है क्वेश्चन। ग्रेविटी की दो ही वैल्यू होती है बेटा, 9.8 होती है या 10 होती है। अगर क्वेश्चन के बाहर दिया हो 10 तो तुम्हें 10 लेना होता है, कुछ नहीं दिया है तो तुम्हें 9.8 लेना होता है। अगर क्वेश्चन बता दिया है, कुछ नहीं लिखा, यू हैव टू टेक 9.8। 10 लोगे थोड़ा सा आंसर में फर्क रहेगा, ठीक है। तो ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया रुपिंदर, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया बोलिए रुपिंदर, हरलीन, ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया बेटा, 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर? क्योंकि F is equal to mg होता है। बिल्कुल सही आंसर है, F equals to mg होता है, मास को आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फोर्स बन जाती है, ठीक है। अभी मुझे सोचकर बताना क्वेश्चन खास क्यों है बेटा, ये सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल 10 है, पेज भी लिखा हुआ है, प्रदीप से करवा रहा हूँ, अच्छी प्रॉब्लम है बेटा। देखो यार, ऐसा नहीं कि एक बुक की सब कुछ है, या तो आप नोट्स बनाते जाइए, कोई भी कंसेप्ट कहीं से भी मैं उठा लेता हूँ, इन द सेंस की कुछ क्वेश्चंस प्रदीप में कुछ क्वेश्चंस ही अच्छे दिए हुए हैं। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, देखिए, जब किसी रस्सी पे हम वेट नीचे लगाते हैं, आप पानी की बाल्टी उठाते हो ऊपर की तरफ, तो क्या लगती है? हाथों में एक फोर्स लगती है, रस्सी पे लगने वाली फोर्स को बच्चों टेंशन कहते हैं। सारे बच्चे क्या बोलते हैं, नया कंसेप्ट है, टेंशन क्या होता है, लिख देता हूं, फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बोलो टेंशन, फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, इसमें मुझे सोचकर बताओ कि कुल तुम्हें कितनी फोर्सेस नजर आ रही हैं, बोर्ड पर कितनी फोर्सेस नजर आ रही हैं, एक, दो, तीसरी भी तो फोर्स है तो नीचे लग रही है, तीन फोर्सेस लग रही है, ये तो डायग्राम सेम है ना, इसी बॉडी को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया है ना, डायग्राम सेम है, ठीक है, समझ आए? तो अभी बताओ इसमें से कौन सी फोर्स है वो ब्रेक होगी, अकेली टेंशन, ये टेंशन टेढ़ी है, बाकी सब सीधी है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाई को, जो टेढ़ा हो उसको तोड़ दो, कर देते हैं सीधा, ये कितना आ गया बोलो, मैंने इस पॉइंट पे एक्स और वाई बना दिया है, हर पॉइंट पे हम एक्स और वाई बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं बताओ, बन गई एक्सिस, देखो तो ये क्या हो गया, टी कॉस 30, ये क्या आ गया, टी साइन 30, हाय नामे जवाब दो भी, cos 30 t sin 30, t cos 30 t sin 30, क्या आंसर है जी, t cos 30 क्या होता है, करो मल्टीप्लाई 3, हमेशा वर्टिकल फोर्स बराबर होगी, ऊपर वाला वर्टिकल फोर्स नीचे वाले को कैंसिल करेगा, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड को कैंसिल करेगा, तब इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, बैलेंस, बैलेंस कब होगा, जब ऊपर वाली फोर्स नीचे के बराबर हो, लेफ्ट वाली फोर्स राइट के बराबर हो, तो टी कॉस 30 किसके बराबर हो गया जी, 3 0.3 यार, टेस्ट करो ना, 0.3, ओके okay? अगली क्वेश्चन बोलो, टी साइन 30 किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर हो गया,
ठीक है, समझ में आया। अगर आपको कॉमन सा आंसर लिखना है तो इसको बेटा मैं एम जी लिख सकता हूँ वेट, तो एक कॉमन सा एक और यहां पर बना देता हूं। हाँ देखिए कि एफ किसके बराबर है, टी साइन 30, एम जी किसके बराबर है, टी कॉस 30, तो डिवाइड कर दो यार क्या होगा, एफ अपॉन एम जी किसके बराबर हो गया, टेन 30 या थीटा, तो एफ क्या आएगा मल्टीपल के लिए बेटा, हमेशा हमेशा ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन हो एफ क्या आता है यार, थीटा को जनरल में 30 कर लो या थीटा कर लो, कि थीटा कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा याद रखो कि इंक्लाइंड प्लेन में ये मल्टीपल का फॉर्मूला आ गया कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड है, कोई बॉडी इंक्लाइंड है, अब ये प्रॉब्लम कहां पर हो सकती है यार, तुम रेलगाड़ी में जा रहे हो, एक लाइट ऐसे है, एक लाइट ऐसे लटक रही है, ट्रेन ऐसे एक्सेलेरेट हुई आगे की तरफ, लाइट कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ। आपने देखा कार में अक्सर ड्राइवर सीट पे लोग ना गुरु का गुच्छा या हनुमान जी या कोई डॉल लटका देते हैं, है ना, ऐसा होता है, नहीं तो बाबे को लटका लेंगे, ठीक है। तो जब आप कार को एक्सिलरेट करोगे, भगाते हो, वो डॉल क्या करती है, ऐसे ब्रेक लगाओगे, ब्रेकें लगाते हैं जब बस में, तो हम पीछे गिरते हैं आगे गिरते हैं, आगे गिरते हैं, आगे गिरते हैं ना, तो जब ब्रेकें लगाएंगे कार में तो डॉल ऐसे जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एफ इक्वल्स टू, समझ में आ गया, ये तो जनरल फॉर्मूला था, टू एनी प्रॉब्लम, टू एनी इंक्लाइंड प्रॉब्लम, यही लगेगा फॉर्मूला हमेशा, हाँ ऑलवेज। अभी तो एक्सेलेरेशन पूछ लेता है, एफ क्या होता है, एम जी एफ क्या होता है, एम इंटू ए, देखना अभी क्या फॉर्मूला आ गया, एम जी टेन थीटा, एम से एम गया, व्हाट इज ए, जी टेन थीटा, मल्टीपल में क्या पूछते हैं, मल्टीपल आपसे टेन थीटा पूछ लेगा, व्हाट इज टेन थीटा, तो इंक्लाइंड बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होती है, जी टेन थीटा, ठीक है। तो इसी चीज को यहां अप्लाई करते हैं बेटा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ आ गया है? ये टी कॉस थीटा कैसे आया, ये टेढ़ा था तो तोड़ना पड़ेगा, हमें कल वेक्टर को तोड़ना सिखाया, ये एंगल 30 है, ये कितना बनेगा, तो साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, डायरेक्शन का फर्क है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू, डिवाइड कर दो, इक्वेशन वन इक्वेशन टू डिवाइड, यार जो मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ घर पे, दो दो बार तीन तीन बार सॉल्व किया करो, तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब आपको क्या आ गया, डिवाइड टू बाई वन, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन थर्टी इक्वल्स टू एफ अपॉन 0.3, एफ कितना आ गया बेटा, 0.3 इंटू टेन थर्टी, एफ कितना आ गया, 0.3 टेन थर्टी कितना होता है, 1/√3 आ गया आंसर, छोड़ दो यहीं पर, सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, क्लियर। ये एग्जांपल मैंने तुम्हें क्यों करवाई है, आंसर है, ये एग्जांपल इसलिए करवाई है कि आपको पता लगे हाउ टू ब्रेक द कंपोनेंट्स,
खाली तो सिखाया मैंने तुम्हें कि किसको ब्रेक करना है किसको ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट कॉलम करवा रहा हूं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी आगे चलो। अगर समझ में आया रेज़ योर थम्स। चलिए रश्मित अक्षित, समझ में आ रहा तो बेटा थम्स रेज कीजिए। शाबाश, क्या था इस गेम में यार? गेम में था सिर्फ टी को तोड़ना है। कैसे? टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, लेफ्ट साइड मस्ट बी इक्वल टू। एक और ऐसी प्रॉब्लम करते हैं अभी क्लास में, देखिए। अब टेंशन समझ में आया? रस्सी पे लगने वाली फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन। हाँ जी बच्चों, एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए। फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। डायग्राम गिवन है, देखते हैं जी कौन बच्चा इसको कर पाएगा। ये दीवार है, ये भी दीवार है, एक रस्सी है, एक रस्सी है, कुछ ऐसे बांध रखी रस्सी। बोर्ड पे ध्यान, रस्सी को ऐसे बांध रखा है। ये एंगल तुम्हें फिफ्टी डिग्री दे रखा है। फिफ्टी यार, फिफ्टी पता नहीं है, मैं बुक एंगल चेंज कर दूं, 45 कर दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। 50 पे निकलेगा नहीं, 50 पे आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 45 कर देते हैं, बुक में 50 है, आई कैन डू दिस 45। चलो हमारा आंसर अलग आएगा, लेकिन कंसेप्ट सेम है। जब आप किसी ये यार एकदम हॉरिजेंटल है, थोड़ा सा डायग्राम हाँ जी, ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, ठीक है। एक्सक्यूज मी बेटा, आपको T1 और T2 निकालना है। क्वेश्चन ये है, T1 निकालो और T2 निकालो, और यहाँ पर जो mg की वैल्यू दी है, ये 60 kg का मास दिया हुआ है, ठीक है। और G10 लगा लो, बोला उसने G10 लगा लो। तो जल्दी से कोशिश करो, आपको एक मिनट दिया जाता है। आपको कैसे लग रहा ये होगा? पहले देखो किसको तोड़ना है, पहले डिसाइड करो कौन सा टूटेगा, कौन सा टेढ़ा है, हैं? T2 को तोड़ दो। चलो एक्स और वाई बना के T2 को उड़ा दो।
बेटा हो पाएगा, कोशिश कीजिए, शाबाश। हाँ जी, देखिए देखो बच्चों, अब आंसर पे मत जाओ, मेथड पे फोकस करो। चलिए फोकस ऑन मेथड, इसको स्टेट कर सकते हैं बेटा। ये कितना हो गया 45, कितना आया ये T2 cos 45, ये कितना आया T2 sin 45। जिस बच्चे को इतनी सी गेम समझ में आ गई है तो कंसेप्ट उसको क्लियर हो रहा है। हमेशा एक्स और वाई बना देना है, ठीक है। तो अभी क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू T1 equals to T2 और क्या सिखाया मैंने आपको, T2 sin 45 equals to 60 into 10, जी साथ में जी लगाना है, sin 45 यू नो 1/√2, थोड़ा सा फास्ट भी कर लिया करो, 1/√2 600, व्हाट इज रूट T2 600 into √2। आगे आंसर बेटा, आंसर न्यूटन में आएगा। कॉन्फिडेंस बन रहा है, कॉन्फिडेंस बन रहा है कैसे क्वेश्चंस करने। हाँ जी, इस T2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, क्या आ गया T1 आ गया 600 √2 cos 45 इज व्हाट 1/√2। है ना आसान प्रॉब्लम, मुश्किल थी आसान थी, इजी थी। चलो थम्स रेज करो, शाबाश। जिसको प्रॉब्लम है वो अनम्यूट करके पूछे। बोलिए क्लियर है कैसे क्वेश्चन। देखो बेटा, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसके ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये नहीं है कि टॉपिक कोई भी पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल कोई भी, ऐसा नहीं है। जो टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन बीच बीच में से उठा रहा हूं। क्लियर, थम्स बेटा, थम्स नजर नहीं आ रहे हैं आपके। रश्मित समझ में आया, रश्मित? यस सर। बेटा थम्स रेज कर देखो फटाफट। सर मैंने कर दिया था, वो डाउन हो गया आपके देखते तक। ओके चलिए, तो समझ में आया द मीनिंग ऑफ हाउ टू ब्रेक द कंपोनेंट। मैंने अभी 2 dimensional में करवाए हैं, 3 में भी होता है ये फॉर्मूला, अभी 3 में आपको लेके नहीं गया,
एक्स और वाई में तोड़ रहा हूँ, जेड में नहीं तोड़ा मैंने अभी। फर्दर अभी जरूरत नहीं है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। 24th कॉलम है प्रदीप, ये बेटा 23rd कॉलम थी लास्ट वाली, 24th कॉलम है प्रदीप फंडामेंटल से। पेज नंबर है 4/103, ये 4 ऐसे लिखा होगा है, फोर्थ मतलब फोर्थ चैप्टर 103 पेज। और बुक में बेटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, 103 किसी में हो सकता है, 100 हो किसी में, वो एक्सरसाइज तो मिली आती है कहाँ किसके आसपास है। चलिए, आप प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 degree विद द हॉरिजेंटल। एक प्लेन है हॉरिजेंटल के साथ 30 degree का एंगल बना रहा है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स -10 kN परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक फोर्स है जी परपेंडिकुलर, देखो लिखा है -10 kN, क्या मतलब इसका? माइनस के का मतलब क्या है? नेगेटिव जेड एक्सिस। के का मतलब क्या होता है? उसको वैसे यहाँ टोपी लगानी चाहिए, गलत लिखा हुआ है बुक में, मिसप्रिंट, अलग ही टोपी। तो के मतलब के इज अ डायरेक्शन, नेगेटिव माइनस का मतलब है नेगेटिव के लगी हुई है। तो ये देखो माइनस के क्या शो कर रहा है आपको? डायरेक्शन शो कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो बताओ इसके कंपोनेंट क्या होंगे? कल मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवाया था ये क्लास में, क्या करोगे यहाँ पर आप? ये एंगल कितना होगा? तो निकालो कंपोनेंट्स, ये क्या आ जाएगा? 10 - 10 - तो डायरेक्शन है यार, ये क्या आएगा? 10 sin 30, कितना आंसर आया? ये आ जाएगा 5। ये कितना आया? 10 cos 30, तो 10 cos 30, 10 व्हाट इज cos 30? ठीक है जी। तो उसने एक ही पूछा है, उसने हमसे ये पूछा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये क्या उसके? कितना आंसर आया? क्लियर? यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस आना चाहिए बेटा। अब कैसे ब्रेक करना है? फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ पार्टिकल। एक पार्टिकल पे 4 फोर्सेस लग रही हैं, देखिएगा कौन सी 4 फोर्सेस लग रही हैं। 30 newton ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ 30 newton लग रही है। 20 newton ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ पे क्या लग रही है? 20 newton। 50 newton ड्यू वेस्ट, वेस्ट पे क्या लग रही है? 50 newton। 40 newton ड्यू साउथ, साउथ पे क्या लग रही है? 40 newton। तो फाइंड सम। हाँ जी, फाइंड सम। इसमें किसको ब्रेक करोगे? किसी को ब्रेक नहीं करेंगे हम, सारे पहली ब्रेक है। आई जे के लगा के जोड़ दो,
क्या आंसर आया बोलो, आर कितना आ गया 30, आई कैप देखो ये आई अपने आप लगा लो यार, 20 जे कैप माइनस 50 आई कैप प्लस माइनस 40 जे कैप, लगाओ जी हिसाब किताब, आई ये 30 आई है माइनस 50 आई माइनस 20 आई, हाँ जी माइनस 20 जे, व्हाट इज मॉडुलस, मॉडुलस क्या आ गया तो दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ तो दे रहा है, यहाँ कर लेते हैं आर का मॉडुलस क्या आ गया। चलिए बच्चों माइनस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर क्या आंसर आया, 20 बाहर, क्लियर, डायरेक्शन क्या आएगी 10 बीटा। देखो पहले इसको प्लॉट करो, अब प्लॉट करो इस वेक्टर को, कैसे प्लॉट होगा ये करो प्लॉट इसको, माइनस 20 आई, ये माइनस 20 आई हो गया, बोलो जी ये क्या है, माइनस 20 जे आपका रिजल्टेंट सेंटर से जाएगा, बराबर है यार, रिजल्टेंट कहां से जाएगा, तो व्हाट इज बीटा, बीटा चाहे एक्स से बना लो चाहे वाई से बना लो आपकी मर्जी है, तो टेन बीटा क्या आ गया, देखो आप ये क्या आ जाएगा 20 टेन बीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 बाय 21, बीटा कितना आ गया 45 डिग्री, क्या लिखोगे आप बीटा 45 डिग्री, इसको क्या कहते हैं वेस्ट, ये क्या है साउथ, तो आप लिख सकते हो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ साउथ, सेम आंसर है, साउथ ऑफ वेस्ट या साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ वाली साइड पे वेस्ट के साथ एंगल, हाँ जी हाँ, तो सभी चारों फोर्सेस का जो सम है द बॉडी मूव, बॉडी विल मूव इन दिस डायरेक्शन, क्लियर, पता लगा हाउ टू ऐड मोर वेक्टर्स, रेज योर थम्स, 5 कितना आया, 1045 कितना होता बेटा, टेबल विच 1045 दी वैल्यू देखो एक होती है, रुपिंदर ये ट्रिग्नोमेट्री तुमने रुपिंदर उस टीचर को पकड़ा नहीं जाके, सिर्फ सेंटर ही बंद कर गया, पता नहीं कितने चला गया तेरी जिंदगी में ब्रेकअप आ गया, हाँ जी नोट्स में बेटा ये वैल्यूज सारी दे रखी हैं, बुकलेट्स रश्मित प्लीज अक्षित बुकलेट्स कलेक्ट कर लें नेक्स्ट चैप्टर के लिए, इस बार मैंने थोड़ी बड़ी बुकलेट बनवा दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो 2-3 मैंने इकट्ठे ऐड कर दिए हैं, आ गई हैं आज ब्लू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके सर शाम में ले, सर टेस्ट कॉपी भी वापस ले लेंगे, हाँ टेस्ट कॉपी भी ले लीजिए प्लीज और बुकलेट्स भी ले लीजिए, पढ़ने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया तो अगले टॉपिक पे चलते हैं यार, कि कैसे ऐड करना है, काफी क्वेश्चन कर लिए, किसको तोड़ना है, सिर्फ जो जिसका भी एंगल हो एक्स या वाई के साथ, अगर प्योर एक्स में है या प्योर वाई में है वो चीज नहीं ब्रेक होती,
उसको ब्रेक नहीं करना है। जिसकी अपनी डायरेक्शन है तो है वो ब्रेक हो जाएगी, बस सिंपल लॉजिक है। आगे चलो, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। अभी मैं थ्री डायमेंशनल में कंपोनेंट, अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आगे पढ़ाऊंगा कि थ्री डायमेंशनल में कैसे हम वेक्टर को ब्रेक करेंगे। बच्चों मैंने आपको पॉलीगला करवाया था, एक फालतू लॉ है कॉल्ड पॉलीगन लॉ, ठीक है। आप ऐसे कहोगे सर ने बताया नहीं है, पर ये यूजलेस है, यूजलेस है, कहीं पर यूज ही नहीं होता। हाँ जी, बस पॉलीगन लॉ देखो, पॉली होता है बहुत सारे वेक्टर का सम, वो मैंने आपको कंपोनेंट से करना सिखा दिया है। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि पॉली होता है बहुत सारे, क्या मतलब पॉली बहुत, मैनी। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स represented by various sides of polygon in magnitude and direction, in magnitude and direction, then closing side, closing side represents resultant vector taken in opposite direction। अभी इसको समझने से पहले मैं पहले डायग्राम बना दूं, देखिए जरा। मान लीजिए एक ये वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, ये तीसरा वेक्टर है सी, ये चौथा वेक्टर है डी। इन सभी का सम क्या आएगा पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग, दिस इज क्लोजिंग साइड। अगर आप इसको लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में लाइक दिस, then it will be the sum। ये पॉलीगन लॉ कहता है, कि कितने मर्जी वेक्टर हो तो लास्ट साइड होगी, ठीक है ना, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट विल बी द रिजल्टेंट। इसको इसका प्रूफ कर लेते हैं हम, करें प्रूफ भाई, रेडी। चलिए देखिए बच्चों, प्रूफ बहुत आसान है। क्या प्रूफ है सारे बच्चों, क्या प्रूफ है देखो, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये क्या आ गया, ट्रायंगल बन गया। yes, ये ट्रायंगल बन गया, ये वेक्टर क्या है, लेट आर वन। देखो बेटा बोर्ड पर, R1 किसके बराबर है, A प्लस बी, क्यों, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। नेक्स्ट एंगल में देखो, नेक्स्ट एंगल में देखो बेटा, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, तो क्या आया, R2 किसके बराबर होगा बताओ, R1 प्लस C। यार किसी भी ट्रायंगल में रिजल्टेंट कौन सा होता है,
जो अपोजिट होता है। नेक्स्ट एंगल देखो, आर वन की वैल्यू डालो, क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नेक्स्ट वैल्यू डालो बेटा, आर वेक्टर क्या आ गया, देखो ट्रायंगल देख के बोलो, आर टू वेक्टर प्लस डी वेक्टर, आर टू प्लस डी, तो क्या आ गया, हो गया प्रूफ। अरे वैल्यू करो, समझ में आया, बोलिए, क्लियर है ना, आसान आसान है, है? मतलब यूज इन द सेंस कि हम अल्टरनेट मेथड से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, है? हाँ हाँ बेटा, अभी देखो, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स, अब पढ़ो स्टेटमेंट भाई, इफ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस साइड्स ऑफ पॉलीगन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, आर वन आर टू आर। तो ये बहुत सारे वेक्टर हैं, बहुत सारी साइड को शो करते हैं, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट बच्चे, चलिए जल्दी से लिखिए, कैसे बेटा,
अब बेटा करे आगे। हाँ जी देखो, अभी नटशेल में अगर पॉलीगन लॉ को रियल लाइफ में आप देखा जाए तो क्या पॉलीगन लॉ है, मैं जैसे भी कितने मर्जी वेक्टर बना दूं आपको रिजल्टेंट ड्रॉ कर देना है। जैसे सपोज करो बच्चों, सपोज करो कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं, किस तरह कि मैंने एक डायग्राम बना दिया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा इस डायग्राम में, रिजल्टेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ, क्लोजिंग साइड, लास्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, दोनों को मिला दो, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। जैसे मर्जी आप डायग्राम बना दो यार, कोई भी डायग्राम बना दो, कोई लॉजिक नहीं है कि सर जी क्या ऐसे बना दी मैंने, ठीक है फिर ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है फिर मैंने ऐसे खींच दिया, जैसे मर्जी खींच दो यार, तो रिजल्टेंट क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा पॉली का मतलब क्या है, कि कोई भी डायग्राम हो, कोई भी किसी तरह का भी शेप हो, फर्स्ट वेक्टर से लास्ट वेक्टर पे जो आप लाइन अपोजिट डायरेक्शन में मिलाओगे दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, इस तरह से पॉलीगन का मीनिंग क्या है, वो एक अलग बात है क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट होगी। फिलहाल आप पॉलीगन सीखो क्या है, वो तो हम तोड़ेंगे तोड़ेंगे फोड़ेंगे, वो तो लंबी कहानी चलेगी ना। अरे बेटा हमने जब हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो वही तो है तरीका, तो वही है, सबको अलाइन करेंगे वेक्टर्स को एक्स वाई की डायरेक्शन में, जो नहीं होगा उसको तोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर मॉडल्स ले लेंगे। क्लियर? तो ये टॉपिक पूरा होता है। आगे बढ़े क्यों बच्चों? हाँ जी, कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, वेक्टर्स के अंदर, है ना। मैंने आपको वेक्टर का एडिशन सिखाया, मैंने आपको सबसेक्शन सिखाया, मैंने सिखाया अभी थर्ड में हाउ टू ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना कैसे है ना। अभी क्या सिखाता हूँ, सारे बच्चों जिनके पास नोट्स हैं देखिए नोट्स में कहाँ पर वेक्टर है। बच्चों ये देखो, बीच में वेक्टर स्टार्ट होता है, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं जो रिक्वायर्ड थे आपको, ठीक है। वन से स्टार्ट होता है, ये तो नंबरिंग है, टॉपिक वाइज नंबरिंग होती है बेटा। ये काइनेमेटिक्स के आगे यार, काइनेमेटिक्स के आगे 15 पेज के आगे यार, 22 पेज के आगे, 22 पेज के आगे, थोड़ा उससे पहले बेटा, जब आप जा रहे हो वहां से पहले, और पहले बेटा, ठीक है मिल गया। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर जो आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे नोट्स में दिए हुए हैं, देखो आप कुछ नहीं भी दिए हैं, टाइप्स हैं वेक्टर्स की, ठीक है जी। फिर एक बताया हुआ है जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है बीच में, अभी लेफ्ट बिहाइंड है करवा देता हूँ। व्हाट इज जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन रैंडम हो, ठीक है। देखिए क्या है,
हाँ जी बेटा सुन लेना सारे बच्चे, जीरो वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड जीरो, डायरेक्शन रैंडम। इसकी एग्जाम रैंडम है कोई भी? एग्जाम्पल्स, व्हेन यू आर सिटिंग एट रेस्ट आपकी वेलोसिटी वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर। When you are at rest, your velocity vector क्या होगा? जब आप rest पे हो तो आपका velocity vector क्या होगा? Answer है zero vector। समझ में आया zero की जरूरत क्यों पड़ी है? Random, random मतलब तो कोई भी नहीं, ठीक है जी। अभी देखो सेकंड, अगर आप बोलो ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर क्या आंसर आना चाहिए? कुछ तो आंसर आएगा, आंसर आएगा जीरो वेक्टर, ठीक है जी। क्लियर क्लियर। तीसरा, अगर एक नंबर लैम्डा है इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या आएगा? ठीक है, द नीड ऑफ जीरो वेक्टर है? हाँ होंगे बेटा क्वेश्चंस। आगे मैंने ट्रायंगल आपको पढ़ाया हुआ है बच्चे, पॉलीगन भी पढ़ाया हुआ है। देखो ये टेबल बना हुआ है सारे बच्चे, 37 डिग्री को एक्सप्लेन किया है, 53 का डायग्राम नहीं है यार, खुद बना लेना। कई बार डायग्राम भी गायब हो जाती हैं टाइपिंग ना। 37 देखो ये पैरोग्राम लॉ हो गया, साइन 3/5 का मैंने दिया हुआ है डायग्राम बना के, 4/5 का खुद से बना लेना। हाँ 37 है, 53 का बना लेना। ये देखो टेबल आप बच्चों, साइन थीटा का टेबल 180 तक, कॉस थीटा का टेबल, टेन थीटा का टेबल। अरे भाई सभी को अब क्वेश्चन तो तभी होगा ना जब आपको एंगल आता है यार। मैंने बेटा मुझे लगा यहाँ पर जरूरत है, तो देखो नोट्स में क्या होता है। ये आ गया बेटा पॉलीगन लॉ, मुझे जो लगता है जरूरी है वो मैं डाल देता हूँ बेटा, ठीक है। आगे है जी बच्चों, प्रूफ दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? एक छोटा सा टॉपिक है, प्रूफ दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले ये समझना है कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है। बच्चों क्वेश्चन है, चल पे यार क्वेश्चन है बच्चों, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्यूटेटिव, इस बात को समझते हैं बेटा। देखो यार कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, पहले आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूं, देखना बोर्ड पर। फोर यार सारे, चलो बीमार हो गए सारे, चलिए 4+6 मस्ट बी इक्वल टू 6+4, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। आपको भी हाँ जी ये तो होता है। 4+6 क्या हुआ, 6+4 क्या हुआ, तो ए प्लस बी वैक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। ऐसा होता है,
अब बोलो सर कैसे होगा? देखिए यार, ये ए वेक्टर है, ध्यान से देखना, ये क्या है बी वेक्टर, ये क्या हो गया इसके पैरेलल, बी वेक्टर इसके पैरेलल क्या हो गया ए वेक्टर, ये गया जी ट्राइंगल और आर, ठीक है, देखना जी पी एस टी एम, बड़ी फालतू की प्रॉपर्टी है। पहले लोअर ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल पी टी एस, पी टी एस, बताओ क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू, बोलो यही है ट्रायंगल लॉ। अगला ट्रायंगल लो पी एम टी, ट्रायंगल पी एम टी, पी एम टी क्या दिख रहा है तुम्हें, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या आ गया, बोलो फ्रॉम वन एंड टू क्या आ गया बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू, हो गई यार। देखो यहां से इस ट्रायंगल को देखो, ए प्लस बी क्या है आर के बराबर, या ऊपर से देखो बी प्लस ए क्या है आर, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है ना। तो ये फालतू की प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों के फिर आगे क्या था, मैंने आपको बताया था बच्चों कि फ्लाइंग ऑफ वर्ड ये पढ़ाया हुआ है, खुद से पढ़ना कि फ्लाइंग ऑफ वर्ड एग्जांपल ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, पढ़ाया है क्लास में, वर्ड का उड़ना एग्जांपल है, हाँ बोर्ड की तरह ही है, खुद से पढ़ना प्लीज, ठीक है। आपने गुलेल देखा, गुलेल, गुलेल क्या है, गुलेल नहीं समझ में आई तुम्हें, कभी गुलेल नहीं देखी यार, देखो गुलेल क्या है, हाँ जी रबर बैंड से क्लास में बच्चे करते रहते हैं, गुलेल क्या होती है, ऐसे लकड़ी का एक हुक टाइप, यहां पर रबर बैंड लगा लेते हैं, गुलेल को पीछे ऐसे खींचते हैं पत्थर लगा के, तो यहां डायग्राम बनाता हूं, रबर गुलेल की ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं हम, ये मैंने पत्थर लगा दिया इसमें, और छोड़ते हैं पत्थर किधर जाता है, किसकी एग्जांपल है ये बताओ, अनपढ़ बंदे भी जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पहले के लोग कैसे निशाना मारते थे, आम को बेटा गुलेल से गिरा देते थे, आम लगा हुआ है निशाना बनाया, मारा आम नीचे पेड़ से, ये पहले के टाइम में तो गुलेल तो बच्चों का बहुत फेमस ये था टूल, अभी तो थोड़ा अब आजकल के बच्चे तो समझते हैं गुलेल होती क्या है, ठीक है। पहले अगर आप जाते थे या मतलब कि खेतों में जाना, कोई बेर लगा बहुत ऊंचा, तो पत्थर नहीं मारते थे, गुलेल मारते थे बेर पे, गुलेल मार के। और आपने देखा होगा यार कि अभी बाहुबली 2 या 3 सभी ने देखी होगी, तो उसमें आपने देखा कि बड़े बड़े पत्थर कैसे फेंक रहे थे, पैरेललोग्राम लॉ। तो गुलेल इज अ एग्जांपल ऑफ, समझ में आया, देखो इधर फोर्स लगाई, इधर फोर्स लगाई, पत्थर गया किधर, सो दिस इज, समझ में आया। फिर आगे बेटा सबस्ट्रेक्शन ऑफ वेक्टर है, बताया हुआ है मैंने आपको सबस्ट्रेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक मैंने 9 लेमिस थ्योरम नहीं पढ़ाई है, अभी जरूरत नहीं है, कंपोनेंट्स भी पढ़ा दिया है 2 डायमेंशन में, ठीक है, 3D कंपोनेंट्स नहीं पढ़ाए अभी, कंपोनेंट्स इन 3D वेक्टर नहीं पढ़ाया है, यहां तक फिजिक्स में पढ़ा चुका हूं बच्चे, ठीक है, मतलब कि ऑलमोस्ट ये 10 पेज तक हम 10 पेज वेक्टर के पढ़ चुके हैं,
अभी टाइम क्या कह रहा है, थोड़ा और थ्योरी पढ़ा दूं आगे? टाइम हो गया, तो आज काम क्या करोगे घर पे आप? सेम वही काम है बेटा, मिक्स काम है ना रवि, कहीं से कर लो बेटा। 10 पेज आपको पढ़ने हैं नोट्स के, 10 पेज ध्यान से पढ़ो बैठकर, आज उनको रिवाइज करो, ठीक है? कल की क्लास का टाइम संडे, क्लास लगानी है, छुट्टी करनी है, लगा लो। ऐसी और कर ली है, कितने क्वेश्चन किए हैं? हाँ 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 बच्चों, पहले हम करते हैं कि काल कल का काम क्या है यार, वो कहाँ है, वो एमपीजी वाली कहाँ है? चलो होमवर्क आपका ये है, होमवर्क क्या है बच्चों? नोट्स पढ़ो, नोट्स कितने पढ़ने हैं, 10 पेज प्लस एमटीजी, एमटीजी से जितना वेक्टर पढ़ाया है आपको, जो जो टॉपिक पढ़ाया है टॉपिक देख लेना बेटा, नहीं पढ़ाया तो मत करना उसको, अभी मेरे पास बुक नहीं है वरना आपको बता देता सामने। एमटीजी में से आपको एमसीक्यू ट्राई करने हैं एट होम। बच्चों यार बुक्स बाय कर लो, जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स ही बाय नहीं किए हैं तो वो तो मुश्किल काम है ना। कल की क्लास का टाइमिंग क्या सेम सेम रख ले, सेम रख ले, वाई टू लेट, गर्मी है यार, परेशान क्यों होना है? नहीं नहीं सेम टाइम बेटा, सेम टाइम है कल का, सेम टाइम है, ठीक है? कल सेम टाइम मिलते हैं, ये होमवर्क जरूर कर लेना, एमटीजी एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? कल इसके डाउट लेंगे और 10 पेज ये